और इधर दुमका के मसलिया के पुरातन तसरिया गांव में 20,000 लीटर क्षमता की पानी टंकी निर्माण के बावजूद भी इलाके के लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचईडी विभाग की तरफ से 7 साल बाद 20 लाख की लागत से पानी टंकी बनाई गई थी, लेकिन पानी कनेक्शन ज्यादा दे होने की वजह से पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही। गांव के लोगों ने विभाग से एक बोरिंग कराने की मांग की है, लेकिन इन तमाम शिकायतों को दरकिनार किया जा रहा है। और अब जबकि गर्मी का मौसम भी आ चुका है, ऐसे में हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके के लोगों को कितनी दिक्कतें सहनी पड़ेंगी, बूंद बूंद को तरसना पड़ेगा। जो आपका टंकी जो बनाया गया है नीर निर्मल परियोजना से बनाया गया है, तो पहले फिलहाल तो जब बनाया गया तो उस टाइम पानी हम लोग को ठीक मिल रहा था। अब ये कनेक्शन भी हम लोग का बहुत ज्यादा है और पानी का भी दिक्कत है, जैसे लेयर घटता है हम लोग का भी लेयर घट जाता है पानी के लिए। पानी हम लोग को सुबह शाम दो टाइम हम लोग को नहीं मिलता है, एक टाइम मिलता है, जिसमें भी कम मिलता है उसमें भी ठीक रहेगा। जो और एक बोरिंग दिया जाए जिसमें जिसमें कि हम लोग का समाधान होगा और हम लोग को दो टाइम पानी मिलेगा। टंकी से हम लोग को हल्का दो मिनट 5 मिनट 10 मिनट का मिलता है पीने के लिए, और बाकी हम लोग चापाकल से लेते हैं, तो वो चापाकल में पानी सब ज्यादा नहीं मिलता है, हल्का उसमें लेयर घट जाता है। मान लीजिए एक बाल्टी पानी लेने के लिए हम लोग को 10 मिनट रुकना पड़ता है, हमें तो पानी है नहीं, तालाब भी सूख गया। तो सरकार से यही आग्रह है जो एक बोरिंग दिया जाए। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।